hi children this is achilles sir with a new video of science chapter number 7 conservation of plants and animals a great variety of plants and animals exist on earth they are essential for the well-being and survival of mankind today a major threat to survival of these organisms is deforestation Dhrtipar, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं इन सभी पेड़ पौधों और जानवरों का होना मानव जीवन के लिए यानी कि इंसानों के लिए इनका होना बहुत जरूरी है लेकिन आज के समय में इन सभी पेड़ पौधों और जानवरों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है और इस संकट का कारण है डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का मतलब है वनों की कटाई या जंगलों की कटाई सो नाउ लेट एस अंडरस्टैंड वाट इज़ डिफॉरेस्टेशन आइए समझते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगलों में पेड़ों की कटाई करना पेड़ों को काटना ताकि उस ज़मीन का जिसके ऊपर पेड़ उगे हुए हैं उस ज़मीन का किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके किसी दूसरे उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके इसके लिए पेड़ों को काटना नाउ लेट अंडरस्टैंड द causes ऑफ deforestation इन डिटेल आइए अब हम जंगलों की कटाई के मुख्य कारणों को या जंगलों की कटाई की मुख्य वजहों को विस्तार से समझते हैं ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज mentioned मैंशनड बिलो फर्स्ट प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन सेकेंड बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज थर्ड मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल जंगल में पेड़ों की कटाई इन सभी नीचे दिए गए निम्नलिखित वजहों से निम्नलिखित कारणों से की जाती है उसमें पहली वजह या पहला कारण ये है कि पेड़ों की कटाई खेती लायक ज़मीन बनाने के लिए की जाती है मतलब खेती करने के लिए की जाती है दूसरा दूसरा कारण ये है कि पेड़ों की कटाई घर बनाने के लिए या फैक्ट्रीज़ यानी कि कारखाने बनाने के लिए भी की जाती है तीसरा कारण तीसरा कारण ये है कि पेड़ों की कटाई फर्नीचर बनाने के लिए और लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन की तरह करने के लिए भी की जाती है सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स जंगलों की कटाई के कुछ प्राकृतिक कारण हैं जैसे कि जंगलों में लगने वाली आग यानी कि फॉरेस्ट फायर और सूखे की स्थिति यानी कि अकाल या ड्रॉट ये देखिए जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसमें फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगलों में लगने वाली आग को दिखाया गया है जंगलों में लगने वाली आग दो तरीके से लग सकती है एक प्राकृतिक तरीके से दूसरा इंसानों की वजह से पर इन दोनों ही तरीक़ों से पेड़ों को बहुत नुकसान होता है जंगल में जितने भी पेड़ होते हैं उन्हें बहुत नुकसान होता है जंगलों में लगने वाली आग की वजह से ये देखिए जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इस पिक्चर में ड्रॉट के बारे में दिखाया गया है ड्रॉट का मतलब होता है सूखे की स्थिति या अकाल सूखे की स्थिति या अकाल का ये अर्थ होता है कि जब किसी जगह पर बहुत कम बारिश हो रही हो या बहुत कम बारिश हुई हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी जगह पर बारिश हो ही नहीं रही हो काफ़ी लंबे समय से तो ऐसी स्थिति में उस जगह की ज़मीन सूख जाती है वहाँ पर पेड़ पौधे उगना बंद हो जाते हैं वनस्पति उगना बंद हो जाती है और उस ज़मीन पर दरार पड़ने लगती है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं व्यूवर्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें